फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखेंगे कुछ बेसिक वर्ड्स जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं परेशान हूँ, ये बोलते मैं परेशान हूँ। आई एम कंफ्यूज। ओके गाइस, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं टेंशन हूँ, आई एम टेंशन। इस तरह की जो भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो आप इसमें बोल सकते हैं। आई एम ट्रबल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ। और भी आप दे सकते हैं आई एम कंफ्यूज तो हो गया है, अब इसके लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं। यदि आपके लिए कंफ्यूज वर्ड ना आए तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बोलने के लिए। नहीं, इस तरह के चीजों को जानने के लिए हमें, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको जानने के लिए हमें सबसे पहले इनको लर्न करना होता है, आप जानते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हम लर्न करने के बाद वो उस टाइम आ जाए हमारे माइंड में, हमें सेंस लगाना होता है कि इसका मीनिंग और भी कुछ हो सकता है। इट मीन्स किसी और इंग्लिश वर्ड को भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये हमें सेंस लगाना होता, समझना होता है। अब आप सोच रहे होंगे सेंस तो सबके पास होता है, होता है, बट क्या है कि काम किसका कब करता है ये डिपेंड परिस्थिति पर और इंसान के ऊपर होता है। ओके गाइस, तो आई एम यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम इन अ फिक्स, या आई एम फिक्स, आई एम इन अ फिक्स। मैं दुविधा में हूं, मैं परेशान में हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं परेशान हूं कि मैं क्या करूं। आई एम इन अ फिक्स, अब ये चीज यहाँ पर आ गई, आई एम इन अ फिक्स, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, दुविधा में हूं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, उसके लिए ये वर्ड यूज करेंगे। आई एम कंफ्यूज और आई एम इन फिक्स, मैं परेशान हूं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूज करते हैं आई एम कंफ्यूज और ये आई एम इन फिक्स, मैं परेशान हूँ। ओके गाइस, अभी और समझेंगे। अच्छा, इसके बाद भी आप लगाते हैं कि मैं परेशान हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो यहाँ पर एक और वर्ड ले लेते हैं, व्हाट टू डू और नॉट, व्हाट टू डू और नॉट, व्हाट टू डू और नॉट, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू और नॉट, व्हाट टू डू और नॉट, मैं कंफ्यूज हूं, आई एम नॉट फिक्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट, क्या करूं क्या ना करूं। अब इसके लिए तो हो गया क्या करूं या ना करूं। एक और वर्ड ले लेते हैं इसी के साथ, एक और छोटा सेंटेंस, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, What to do or not, ऐसा बोल सकते हैं। तो what to do, what not to do, what to do, what not to do, ये बहुत ही basic words हैं, बहुत ही basic, सब जानते हैं, what के बारे में जानते हैं, do means जानते हैं, सारी चीजें basic हैं। बट क्या है कि हम यही रहते हैं confused कि कहाँ क्या use करें। Okay guys, तो मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे words को मिला करके, छोटे छोटे words मिला करके एक sentence बता रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ नए वर्ड्स भी बता रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई एम नॉट फिक्स, व्हाट टू डू और नॉट, ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं परेशान हूँ या मैं टेंशन में हूँ, मैं दुविधा में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आई एम नॉट फिक्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ऐसे भी बोल सकते, ऊपर वाला भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। आई एम कंफ्यूज, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसी कुछ कंडीशन बन जाती है कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, ये काम करूं या ना करूं, ये चीज जब बन जाती है माइंड में तो हमें उसको इंग्लिश में बोलना ही होता है, बोलना तो पड़ेगा इंग्लिश में क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तब बोल सकते हैं ये चीज। अब एक और लेते हैं, आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर, हॉट वाटर ये भी वही चीज है, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं संकट में हूं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब चीजों के लिए आप अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे कुछ लोग वही चीज, यार मुझे परेशानी है, क्या करूं मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, वो एक बंदा बोला है कि मुझे थोड़ी सी परेशानी है, दूसरा बोला मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है, ना बिग होती है ना लिटिल होती है ना सॉल्व प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है सभी के लिए, बट आपके बताने के सेंस के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको बता रहे होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं आई एम इन हॉट वाटर, मुझे
परेशानी है या मैं खुद परेशान हूँ, ऐसा बोलते हैं मुझे मुझे संकट है, आप बोल सकते हैं जिसको जो बोल रहा हूँ हिंदी में, बट परेशानी के लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, आई एम इन हॉट वाटर। अब आप सोच रहे हैं हॉट वाटर की हमारी परेशानी से क्या लेना देना है, इसका क्या कनेक्शन है। यदि आपको गर्म पानी में खड़ा कर दिया जाए, गर्म जरूरी नहीं है कितने टेम्परेचर पे हो, गर्म पानी में खड़ा कर दिया जाए तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी, परेशानी होगी। इस तरीके से इसको लर्न करें, मैं इसको बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, बट इंग्लिश इंग्लिश तो ऐसे ही आपको आपको सेंस से समझना होगा, इसका एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और ही बात होगी कि आई एम इन हॉट वाटर, मैं गर्म पानी में हूँ, है ना, खोल रहा हूँ, बॉयल हो रहा है, तो आई एम इन हॉट वाटर, मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं संकट में हूँ, है ना, मैं ऐसे इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, आई एम इन हॉट वाटर। ओके गाइस, मैं परेशानी हूँ, मैं उधर नहीं जा सकता, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं एक काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, बोलते हैं मैं मुझे प्रॉब्लम है या मैं खुद परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं खुद ही प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, बोलते हैं सर, तो आई एम इन हॉट वाटर, मेरे को खुद प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट गिव यू मनी, आई कैन नॉट गो देयर, इस तरीके की बातें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो गाइस ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, लेते हैं कुछ और चमत्कार करते हैं और भी कुछ चीजें सीखते हैं। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल है, बस आपको खुद सीखना है और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर ये चीजें सेंड किया करें उनको, ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीख सकें। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खुद सीखो और दूसरों को मत बताओ, अरे पहले खुद सीख जाओ, आपके सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका फ्रेंड सर्कल इंग्लिश नहीं सीखेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर आपने किसी के सामने इंग्लिश बोल दी और सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आप अकेले क्या करते रहोगे, टॉकिंग नहीं हो पाएगी, इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी लोगों में ये वीडियो सेंड करें। लेते हैं नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, लेटर नहीं, नेक्स्ट विल बी बेटर इफ, इट विल बी बेटर इफ, अच्छा होगा, एक और वर्ड होता है वो शॉर्ट होता है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा उसका और उसको भी बताऊंगा। यहाँ पर अच्छा होगा, इट विल बी बेटर इफ, अच्छा होगा, बोलते कभी कभार कि अच्छा होगा कि तुम इधर से चले जाओ, वो इधर आ जाए तो अच्छा होगा, यदि तुम अपने काम पर ध्यान दो तो अच्छा होगा, ऐसा बोलते अच्छा होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, फालतू की बातों में मत, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम वीडियो शूट करो, आपके लिए अच्छा होगा कि तुम वीडियो शूट करो, ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप इंग्लिश सीख लो। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इस तरह की वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सारे वर्ड्स आप जानते हैं, एक इट विल बी बेटर, सभी के बारे में आप जानते भी हैं, इनको आप सेपरेट करके हिंदी नहीं निकाल सकते, ये एक वर्ड है, पूरा एक सेंटेंस बोल सकते हैं या एक वर्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं एक ही बात है, इट विल बी बेटर इफ, इसके अलावा आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप नेक्स्ट सेंटेंस में चेंजिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, इट विल बी बेटर, अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, इट विल बी बेटर इफ यू गो फ्रॉम हियर, इफ यू Go from here. It will be better if you go from here. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें की वर्ड है कि यदि तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा, अच्छा होगा कि तुम इधर से चले जाओ, उसकी के लिए that का यूज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी if लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बीच में कोई भी कनेक्टर यूज नहीं करना है क्योंकि if कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए और कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना है। ओके गाइस, इट विल बी बेटर इफ यू गो फ्रॉम हियर, इट विल बी बेटर इफ यू गो फ्रॉम हियर, अगला सेंटेंस फिर से लेते हैं, इट विल बी बेटर
इफ यू ज्वाइन द क्लास, इट विल बी बेटर इफ यू ज्वाइन द क्लास, ये आपके लिए बेहतर होगा यदि तुम क्लास ज्वाइन कर लो, या तुम क्लास ज्वाइन कर लो यही आपके लिए बेहतर है, यदि तुम क्लास ज्वाइन कर लो तो ये आपके लिए बेहतर है। कैसे भी बोले आप हिंदी में, बट इंग्लिश में आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब आप इस तरह के और भी सेंटेंस बना सकते हैं, मेरे से बेहतर आप कर सकते हैं, बट कोशिश आपको ही करनी है, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया है, अब लेते हैं नेक्स्ट और वर्ड लेते हैं, कुछ और वर्ड लेकर के फिर से एक सेंटेंस समझते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिसकी हिंदी होगी सच तो ए है, और सच तो ए है कि, सच तो ए है कि, तभी बोलते हैं सच्चाई तो ये है कि, हकीकत तो ये है कि, इस तरह की हिंदी के लिए इस सेंटेंस का यूज किया जाता है और बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। सभी वर्ड आप जानते हैं बट इनका सेपरेट आप हिंदी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि, ये है कि, तो कॉमा लगा देंगे आप दैट का यूज कर देंगे, ये है कि सी लव्स मी, सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार करती है, सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार करती है, ऐसे बोलते हैं सच तो ये है कि वो मुझसे अब भी प्यार करती है, अब भी सी स्टिल loves me, सच तो ये है कि वो अब भी पढ़ रहा है, सच तो ये है कि वो अब भी पढ़ रहा है। इसको सेम टू सेम आप लेते जाएंगे, यहाँ का सेंटेंस आप चेंज करते जाएंगे, गाइस समझते जाएंगे, यहाँ पर आप सेम यही यूज करेंगे, इसके बाद आप जो कुछ भी बोलना है, सच तो ये कि वह आ रहा है, या सच तो ये कि वो नहीं आ रहा है, he is not coming, he is not coming, सच तो ये कि वो नहीं आ रहा है, सच तो ये है कि वो पागल है, he is mad, सच तो ये है कि वो क्रेजी है, he is crazy, वही चीज, बस ये की चीज आपको लेके चलना है और कुछ भी लेके नहीं चलना है। as a matter of fact that, यहाँ पर that नहीं बोलना है तो मत बोलिएगा, स्पोकन में सारी चीज जरूरी नहीं कि यूज करें, हम कुछ चीजें आप मिस भी करेंगे तब भी आपकी इंग्लिश बहुत सुपर कहलाएगी। हम एक ही चीज को ढूंढते रहते हैं, एक चीज को कनेक्ट करते हैं, फिर बोलने के लिए हम सोचते रहते हैं, अरे स्पोकन में आपको सोचने की क्यों पड़ी रहती है कि हम ये चीज आनी चाहिए, वो आना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होने के लिए आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जब एग्जाम दोगे ना तो आपकी वो इंग्लिश भी परफेक्ट हो जाएगी, रियलिटी यही होती है। छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें, छोटे सेंटेंस यूज करें और इंग्लिश बोलें। मैं आपको रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टेड वर्ड लेकर आता रहूंगा और आपको इंग्लिश सिखाता रहूंगा। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो आप जरूर दबाएंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी टाइम पर मिल सके। गाइस ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर हो, मैं ये वादा करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर होगा, बेहतर वर्ड्स लाऊंगा, नए वर्ड्स लाऊंगा। गाइस मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।